फेस का जो डर्ट होता है उसको निकाल कर टोनर अप्लाई करके जो कि हमारा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम मैत्री एंड यू आर वाचिंग मैत्रीज हेल्थ टिप्स। जैसे कि हम सभी को पता है समर आ चुका है और समर अपने साथ बहुत सारे प्रॉब्लम्स लेके आते हैं हमारे लिए, जैसे कि डिहाइड्रेशन, स्किन प्रॉब्लम, हेयर प्रॉब्लम एट्सेट्रा एट्सेट्रा। बहुत सारे ऐसे चीज़ समर लेके आते हैं जो हमारे लिए बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है। सो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इस समर में खुद का ध्यान कैसे रखें, यानी कि हाउ टू केयर योर सेल्फ ऑन दिस समर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आप लोगों के सामने और एक बार रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल द नोटिफिकेशंस। आप लोगों के बिना मेरा आगे बढ़ना मुश्किल है, सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड कीप सपोर्टिंग। पहले बात करते हैं हाउ टू हाइड्रेट योरसेल्फ। खुद को हाइड्रेट आप इस समर में कैसे रखें। जैसे कि बाहर बहुत गर्मी होती है, इसकी वजह से हमारा शरीर बहुत ही ज़्यादा डिहाइड्रेट हो जाता है और स्वेटिंग के रूप में हमारे शरीर से बहुत सारा पानी निकल जाता है, और उसका बैलेंस के लिए हम लोगों को बहुत ज़्यादा पानी पीना चाहिए। समर में जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ज़्यादा सफिशियंट पानी पीना। और उसके बाद आप हर रोज़ एक अगर नारियल का पानी पी सकते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। कोकोनट वाटर, लस्सी और कर्ड, ये सब हमारे बॉडी हाइड्रेट रखने के लिए बहुत काम आता है। और मस्ट रिमेम्बर, कोकोनट वाटर पीने के बाद मलाई खाना बिल्कुल ना भूले। अब आते हैं हेयर प्रॉब्लम्स के बारे। समर में बहुत ज़्यादा स्वेट होने की वजह से हमारा स्कैल्प बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाता है, और फिर हम डेली शैम्पू यूज़ करने लगते हैं, और शैम्पू यूज़ करने के वजह से हमारा स्कैल्प बहुत ड्राई हो सकता है और डैमेज भी हो सकता है। सो इसीलिए मस्ट यूज़ ऑयल ऑन योर हेयर। आप ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल को एक साथ मिलाकर भी लगा सकते हैं, जैसे कि मैं करती हूँ। कोकोनट ऑयल और ऑलिव ऑयल ये सब मिला के बालों पे लगा लेती हूँ। ओवरनाइट मैं उसको ब्रेड करके दूसरे दिन शैम्पू करके वॉश कर लेती हूँ। अगर ये आपके लिए पॉसिबल नहीं है तो आप 1 to 2 hours बिफोर ऑफ योर बाथ यू कैन अप्लाई इट ऑन योर हेयर। हमें जैसे कि हमारा स्किन बहुत डिहाइड्रेट हो जाता है, ड्राई हो जाता है और डल भी, सो उसी के लिए हम लोगों को स्किन को हाइड्रेट करना पड़ेगा। तो उसी लिए बहुत ज़्यादा पानी तो पीना ही है, उसी के साथ साथ हमको क्लींजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अपना फेस के जितने सारे डर्ट या पसीना जो सब होते हैं उसको फेस वॉश से धोकर टोनर अप्लाई करके उसी के बाद मॉइस्चराइजिंग करना, ये इस समर में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। डिहाइड्रेशन की वजह से फेस एक्ने, पिंपल्स, ओपन पोर्स ये सब हो सकते हैं। फेस का जो डर्ट होता है उसको निकाल कर टोनर अप्लाई करके जो कि हमारा पीएच लेवल बैलेंस करते हैं, और उसी के साथ साथ हमारा जो ओपन पोर्स होते हैं स्किन का उसको भी मिनिमाइज करते हैं, और फिर मॉइस्चराइजिंग करने की वजह से हमारा स्किन हाइड्रेट रहेगा। नेक्स्ट आते हैं स्किन का वैक्सिंग के बारे में। हमारा बॉडी का जो नॉर्मल हेयर है वो सब के वजह से स्किन का बहुत ज़्यादा इचिंग, पिंपल्स, ज़्यादा स्वेटिंग ये सब होते हैं। तो उसी के लिए स्किन का जो हेयर्स है ये वैक्सिंग करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आफ्टर वैक्सिंग डोंट फॉरगेट ऑयल मसाज ऑन योर स्किन। एंटी टैनिंग बॉडी मास्क जो होते हैं वो समर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। मैं जो अप्लाई करती हूँ मेरे स्किन के लिए समर में वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। बेसन, हल्दी, कर्ड और टोमेटो पेस्ट ये सब मिलाकर मैं अपने बॉडी पे अप्लाई करती हूँ, जो कि स्किन के बर्न होने से या स्किन के टैनिंग होने से स्किन को अच्छा रखता है। हल्दी जो स्किन के लिए बहुत ज़्यादा एंटी बैक्टीरियल एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होते हैं,
और बेसन तो डेड सेल निकालते हैं, और टोमेटो जो होता है वो हमारा नेचुरल ब्लीच का कम करते हैं, एंड कर्ड हमारे स्किन पिगमेंटेशन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। हो गया बॉडी पैक, अब फेस पैक जो हमारा स्किन के लिए सूटेबल है समर में वो है मुल्तानी मिट्टी के साथ मिल्क मिलाकर, और उसके साथ रोज़ वाटर भी आप मिला सकते हो, फिर वो फेस नेक और हैंड्स पे अप्लाई कर सकते हो। आइस वाटर जो होते हैं ये हमारे स्किन के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। समर में जब स्किन डल हो जाते हैं, घर पे एक बाउल में आइस क्यूब को रख कर वो पानी जब हम फेस पे अप्लाई करते हैं वो उसके वजह से फेस बहुत ज़्यादा हाइड्रेट होता है। एंड प्लीज़ ट्राई टू यूज़ इट रेगुलरली। फॉर स्मूथ एंड सिल्की हेयर यू कैन यूज़ बनाना, एलोवेरा जेल, कर्ड एंड वन एग मिक्स टुगेदर एंड अप्लाई ऑन योर हेयर। इसके वजह से आपका हेयर बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा। हम बहुत सारे पैसे तो सैलून में ऐसे ही पानियों की तरह खर्च करते हैं, बट दिस होम रेमेडी इज वेरी यूजफुल फॉर हेयर, मस्ट ट्राई दिस। समर हो या कोई और भी सीजन में आपके फ्रीजी हेयर को रुकने के लिए, आपको रफ हेयर रुकने के लिए मस्ट यूज द हेयर सीरम ऑन योर हेयर। एंड डोंट फॉरगेट वो स्कैल्प में बिल्कुल नहीं यूज करना चाहिए। हेयर सीरम ओनली फॉर हेयर, नॉट फॉर स्कैल्प। अब आते हैं हम पेडिक्योर के बारे में। हमारा जो फीट्स होता है वो समर में भी बहुत ज़्यादा रफ हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा डल हो सकते हैं, इसीलिए हम लोग घर पे ही पेडिक्योर कर सकते हैं। जो घरेलू जितने सारे सामान से होते हैं वही से मैं आप लोगों को बताऊंगी कैसे पेडिक्योर करना है। पेडिक्योर करने के लिए रॉक सॉल्ट, बॉडी वॉश, अगर आपके पास बॉडी वॉश नहीं है फिर भी चलेगा, उसके बदले में आप शैम्पू यूज़ कर सकते हैं। वो दोनों एक टब में रखकर वार्म वाटर से मिलाकर आप अपने फीट्स को 10 से 15 मिनट सोक कर लीजिए, और उसके बाद जो लेमन होता है उसके साथ 2 चम्मच कॉफ़ी मिलाकर अच्छे तरह अपने फीट्स को स्क्रब कर लीजिए। 5 से 7 मिनट तक आप स्क्रब करने के बाद वो पानी में वॉश करके लोशन या कोई भी क्रीम अप्लाई कर सकते हैं। Don't forget use sunscreen on your skin. Sunscreen हमारे all seasons के लिए most important होता है। वो हमारा skin tanning, skin damage से हमारा skin को protect करते हैं। So इसीलिए summer के साथ साथ आप winter में या कभी भी sunscreen use करना ना भूलें। अगर मेरा video आप लोगों को पसंद आया so please share with your friends and family. Do not forget to subscribe my channel. We'll see you on next video. Take care. Bye-bye.